हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी अकेडमी यूट्यूब चैनल. स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर 85 इन दिस वीडियो ऑफ क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट. क्लियर? एंड दिस इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी विल रिवाइज दिस चैप्टर एंड दिस इज द रिविजन वर्कशीट नंबर 2. सो इट हैज मैनी क्वेश्चन. एज यू कैन सी देर आर 14 क्वेश्चन. ओके, देर आर 14 क्वेश्चन. सो वी विल सॉल्व दीज क्वेश्चन वन बाय वन. सो फर्स्ट वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 1. इफ द इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एम पी प्लस एन क्यू प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स देन. तो बच्चों, यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट है कि ये इक्वल रूट्स है. तो हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देते हैं. ओके, एंड कंपेरिजन के बाद हमें ए जो मिलता है दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके, एंड बी हैज वैल्यू माइनस 2 एम पी प्लस एन क्यू. एंड सी दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. तो आपके पास यहाँ पर ए बी और सी तीनों की वैल्यू आपको मिल चुकी है. क्लियर? नाउ हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना है इक्वल रूट्स का. तो बच्चों, जब हम यहाँ पे इक्वल रूट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इक्वल रूट्स के कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल होना चाहिए 0 के. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0. अब b की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, दैट इज माइनस 2 एम पी प्लस एन क्यू होल स्क्वायर माइनस 4a. a दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. एंड सी दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. आप यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे. क्लियर? तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर हमें पॉजिटिव मिलता है, 2 का स्क्वायर मिलता है 4, एंड दिस इज इक्वल टू एम पी प्लस एन क्यू होल स्क्वायर एंड माइनस 4. अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर को हम सबसे पहले इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो एम स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. क्लियर? नेक्स्ट टाइम हमने एम स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. और उसके बाद अब आप एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, देन यू विल गेट एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट एंड डन. आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपको यहाँ पे मिलता है 4 हम कॉमन ले लेते हैं. ओके, एंड देन इट विल बी एम पी प्लस एन क्यू होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे से भी बाहर आ चुका है, तो एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर. नेक्स्ट टाइम एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड होल ब्रैकेट बिकम्स इक्वल टू 0. तो बच्चा, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो 4 है ये राइट साइड जाएगा तो 0/4 होगा. ओके, 0/4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. एंड एम पी प्लस एन क्यू होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. यहाँ पे आप इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, एंड जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है यहाँ पे एम स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर. एंड नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे यहाँ पे 2xy, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 एम पी एन क्यू. ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से भी यहाँ पे प्लस कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया. नेक्स्ट टाइम माइनस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो माइनस है इसके अंदर क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव में. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो साइन जो होते हैं ब्रैकेट के अंदर वाले वो सब क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे सबको नेगेटिव कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब आप देखो कि क्या कोई वैल्यू आपसे कैंसिल हो रही है. यस, वी आर सीइंग दैट एम स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर पी स्क्वायर, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया. एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे भी एन स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया. तो हमें मिलता है 2 एम पी एन क्यू माइनस एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बच्चे, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. देखो, एम स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 एम पी एन क्यू इक्वल्स टू 0. मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है
नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, और नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया और उसको जीरो के तरफ शिफ्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी। अब आप देखिए, ये भी आपके पास एक आइडेंटिटी है, वही वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। अभी जो आपने पढ़ा था वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पे एम क्यू होगा आपके पास एक्स, और वाई की जगह है हमारे पास एन पी, एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चा यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जब जीरो के इक्वल होती है, देन वी कैन से डैट एम क्यू माइनस एन पी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये भी जीरो के इक्वल होना चाहिए, और ये जीरो के इक्वल होगा तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है एम क्यू किसके इक्वल होगी, एन पी के इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब एक बार जरा आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है। तो हमने देखा एम क्यू इक्वल्स टू एन पी, ये हमें मिला, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख लीजिए एम क्यू इज इक्वल टू एन पी, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज। आपको बताना है बच्चा कि ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं। तो उसके लिए हमें ना डिस्क्रिमिनेंट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो अप्लाई कर दीजिए। बी आप देख रहे हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज रूट 5, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए, ए दैट मीन्स 2, एंड सी इक्वल्स टू 1। आप सॉल्व कीजिए, माइनस का स्क्वायर होगा प्लस एंड रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, दैट मीन्स माइनस 3, माइनस 3 विच इज लेसर देन 0। और जब ये लेसर देन 0 होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास रियल रूट्स नहीं होते हैं। क्लियर, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर इक्वल, इक्वल दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, एंड डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, सो यू कैन से डैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, देन एट दिस मोमेंट बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू फोर ए सी, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेयर पी इज रियल ऑलवेज हैज रूट्स। आपको बताना है कि इनके रूट्स कैसे होंगे। तो आप इस इक्वेशन को ना जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी उससे कंपेयर कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स ए दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर, एंड बी दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पी प्लस 1, एंड सी दिस इज इक्वल टू पी। एंड हमें यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको कैलकुलेट करना है। बच्चों जब भी आपसे रूट्स की बात की जाए, नेचर ऑफ रूट्स, देन यू हैव टू कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट डी। ओके, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो बी दैट मीन्स 2 इंटू पी प्लस 1, और आपको इसका करना है यहाँ पे होल स्क्वायर माइनस 4 ए दैट मीन्स 2 इंटू सी दैट इज पी। और सॉल्व करने पर इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमें मिलेगा 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 पी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 पी। आप यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको 4 पी प्लस 1 होल स्क्वायर दैट मीन्स पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 पी, यानी कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, एंड माइनस 8 पी। तो बच्चों जब हम यहाँ पे से सॉल्व करते हैं तो 4 पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू 2 8 पी माइनस 8 पी हमें मिलता है, जहाँ पे 8 पी तो कैंसिल हो जाएंगे एंड हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 4 पी स्क्वायर प्लस 4। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे पी स्क्वायर जो है, ओके पी स्क्वायर यानी कि आप किसी भी डिजिट का यहाँ पे स्क्वायर करोगे और वो हमेशा ऑलवेज कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो दैट मीन्स 4 पी स्क्वायर की वैल्यू भी आपके पास कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जब आप इसमें प्लस 4 ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी आपके पास कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी दैट मीन्स वी कैन से डैट 4 पी स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये जो डी की वैल्यू मिली है 4 पी स्क्वायर प्लस 4 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास रूट्स होंगे यहाँ पे कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। ओके, तो इसके ऑप्शन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज रियल रूट्स, क्योंकि फर्स्ट में इक्वल है, इक्वल तो हम यहाँ पे कह नहीं सकते हैं बिकॉज ये वैल्यू 0 तो आई नहीं है।
और इसलिए ए नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा क्योंकि बी में भी इक्वल बोल दिया गया है, और सी में इरेशनल का हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, तो लास्ट में हो जाएगा डी, दैट इज रियल रूट्स। ओके, तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं हमारे पास 6 टाइम्स द अदर, यानी कि एक रूट जो है वो अदर इक्वेशन का 6 टाइम है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट रूट हम यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, और सेकेंड रूट जो है हम यहाँ पर उसको एज्यूम करेंगे, और वो कैसे होगा, 6 टाइम्स द अदर, यानी कि वो यहाँ पर अल्फा का 6 टाइम हो जाएगा, यानी कि जो भी बीटा होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 6 अल्फा होगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि पी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि जब हम अल्फा प्लस करते हैं बीटा, यानी कि दोनों जो रूट्स हैं उनको प्लस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी जो वैल्यू है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आती है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि आपकी वो वैल्यू क्या है, बी दैट इज इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास माइनस 14, ठीक है, और ए दिस इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे हमारे पास ये 14 अपॉन पी के इक्वल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे इनको क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ठीक है, तो प्लस कर रहे हो तो एक जो रूट है आपके पास वो तो है अल्फा, और बीटा हमारे पास क्या है, 6 अल्फा है, एंड दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन पी, दैट मीन्स 7 अल्फा जो है वो हमारे पास 14 अपॉन पी के इक्वल है, डन। और यहाँ से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए आपको 7 इस डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, तो हमें मिलेगा 2 अपॉन पी के, अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू अगर आपके पास 2 अपॉन पी है, तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे बीटा क्या होगा, दैट विल बी 6 अल्फा, ओके, यानी कि 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 12 अपॉन पी, तो ये दोनों आपके पास वैल्यूज है। अब नेक्स्ट टाइम आपने जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, सम कैलकुलेट किया यहाँ पे जीरोस का, जो भी हमारे पास रूट्स हैं उनका, ऐसे ही अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट में हम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, तो यहाँ पे हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं अल्फा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 अल्फा है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सी। तो क्वेश्चन को देखिए, इक्वेशन में सी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी की वैल्यू है यहाँ पे 8, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी है, तो आप अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 8 अपॉन पी, ठीक है, सी दैट इज 8, और ये हो गया हमारे पास p। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमने कैलकुलेट किया था, हमें मिला था 2 अपॉन p के इक्वल, और 6 अल्फा हमें मिला है 12 अपॉन p के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन p। आप सॉल्व कर लो, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 अपॉन p स्क्वायर, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 8 अपॉन p। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर से, एंड 24 मल्टीप्लाई होगा पी से, तो बच्चों यहाँ से आपको पी चाहिए, तो आप देखो ये पी से एक यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और ये पी 24 अपॉन 8 हमारे पास हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पी की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये हमारा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ओके। तो यहाँ पे हम बच्चा एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं थोड़ा इजी करने के लिए इसको, कि जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, फिर 5 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आप एक काम करो, ये जो x माइनस 1 है ना, इसको a सपोज कर लो, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 0 में। अब हम इसको ना फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाई करने पर तो यहाँ पे आपके पास क्या आना चाहिए, माइनस का 6, और प्लस या माइनस करने पर, ठीक है, प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो हम मतलब इस तरीके से करते हैं कि माइनस का 6 ए ले लेते हैं और एक प्लस का 6 ए ले लेते हैं। अब आप देखो, इन दोनों का जो अगर आपने प्लस किया है तो माइनस 5 ए मिला,
ओके, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे है ही कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे 5a के फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो ये हो गया 6a प्लस a माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। देन a यहाँ पे कॉमन है, आप लेंगे तो a माइनस 6 मिलेगा। नेक्स्ट टाइम में प्लस 1 कॉमन लेंगे तो a माइनस 6 मिलेगा, और a माइनस 6 जो है वो दोनों तरफ कॉमन है, सो वी कैन टेक इट आउटसाइड एंड आपको यहाँ पे अंदर मिलेगा a प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, वो क्या क्या है, फर्स्ट टाइम a माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस 1 के इक्वल है। ओके, सो माइनस 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 और माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 7, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम में हम a प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं, आपने एक बार उसे लिया, अब आप a प्लस 1 को इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हो, सो x माइनस 1 और ये प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो कर रहे हो, तो माइनस से ये जो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 के इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो या तो हम x की वैल्यू को 0 अप्लाई करें, या फिर हम क्या करें, x की वैल्यू को 7 अप्लाई करें, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब जब बच्चा हम इसको x की वैल्यू को 0 अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी हमारे पास, नहीं बनेगी ना, क्यों, क्योंकि ये x तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो हमारे पास आंसर होगा x माइनस 7, हम यहाँ पर लिखकर चलेंगे x इज इक्वल टू 7। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो बच्चे जब नो रियल रूट्स होते हैं तो उस समय आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, लेसर देन ज़ीरो होता है। तो हम कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इस इक्वेशन में, आपके पास देखो एक्स स्क्वेयर है प्लस के इंटू टू एक्स प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो है। आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस, जब आप k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर माइनस k और यहाँ पे प्लस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। तो बच्चों जब हम इसको यहाँ पर जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो से कंपेयर करते हैं, तो हम देखते हैं a दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलता है 1, ओके, b दैट मीन्स कॉफिशियंट ऑफ x और ये हमें यहाँ पे मिलता है 2k, एंड द लास्ट c ये हमें यहाँ पे मिलता है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास रियल रूट्स नहीं होने चाहिए, ओके, नो रियल रूट्स। सो स्टूडेंट्स फॉर नो रियल रूट्स हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज़ लेस देन ज़ीरो, इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो से कम होती है, ओके। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन ज़ीरो, बी दैट मीन्स 2k, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 a इंटू 1 मतलब a दैट इज 1 एंड c दिस इज k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है एंड इट मस्ट बी लेसर देन 0, तो 2k होल स्क्वायर दैट मीन्स 4k स्क्वायर, माइनस 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर, माइनस बाहर है तो आपके जो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो ये होगा 4k माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2 8 लेसर देन 0, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, देन वी विल गेट 4k माइनस 8 लेसर देन 0, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 4k जो है वो लेसर देन 8 मिलता है, दैट मीन्स k इज लेसर देन 8 अपॉन 4, एंड 8 अपॉन 4 दैट मीन्स k इज लेसर देन 2। तो बच्चा हमारे पास k की वैल्यू ना यहाँ पर 2 से कम होनी चाहिए, ओके। अगर 2 से कम होगी तो उस कंसेप्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। सो जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो भी इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे, और अगर 0 हो जाती है k की वैल्यू तो भी इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस हैज़ इक्वल रूट्स, अब आपके पास यहाँ पे इक्वल रूट्स होने चाहिए, एंड फाइंड दीज रूट्स। सो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर सा फंडा है क्या,
फोर इक्वल रूट्स जो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, और इसकी वैल्यू दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। अब कॉन्सेप्ट है कि ऑल्सो फाइंड दीज रूट्स, कि आपको ये रूट्स भी यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स इस केस में हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए, ओके, दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो माइनस बी अपॉन टू ए उनकी वैल्यू होती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं, किससे करेंगे, हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। ऑन कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन वी गेट ए, ए दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू पी प्लस वन, b that is the coefficient of x this is equal to 7p plus 2 and minus sign, and the last c, okay, c this is equal to 7p minus 3। ye hamare paas hai yahan pe concept। since we are saying that b square minus 4ac must be equals to 0, okay, so aap yahan pe values jo hain wo apply kar dijiye। after applying values we get b that is minus 7p plus 2 and whole square minus 4 into a that is 2p plus 1 and c this is 7p minus 3 and this is equal to 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7p plus 2 होल स्क्वायर, तो ये आपको माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा 49 पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 हो गया 28, सो 28p माइनस 4। आप इसको सॉल्व कीजिए, 2p विल बी मल्टीप्लाई बाय 7p माइनस 3, ओके, सो 2p इंटू 7p विल बी 14p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7p माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p माइनस 4 इंटू 14 दैट इज 56p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 6p 1p हो जाएगा, एंड 1p मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 वी गेट माइनस 4p, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 49p स्क्वायर माइनस 56p स्क्वायर, तो 56 में से 49 को माइनस कर दीजिए एंड इट विल बी नेगेटिव 7p स्क्वायर, ओके, एंड नाउ 4p माइनस है एंड 28 प्लस, सो इट विल बी 24p एंड द लास्ट 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 0। सो we can rearrange this equation as 7p square minus 24p minus 16 is equal to 0। स्टूडेंट्स अब हमें इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। वी कैन यूज श्री धराचार्य मेथड हियर, ओके, एंड बाय विच वी गेट द फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो फॉर अबव इक्वेशन वी हैव x दैट इज इक्वल टू p, बिकॉज दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल p, ओके, सो माइनस b दैट मीन्स माइनस माइनस 24 प्लस माइनस b, b दैट इज माइनस 24 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a इज 7 एंड c दिस इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 2a, 2 इंटू ए, ए इज इक्वल टू 7। सो जब आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पे तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, 24 प्लस माइनस 24 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 576, माइनस माइनस हो गया प्लस, ओके, 4 और 7 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा 28, और 28 को जब हम 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें यहाँ पे मिलता है 448 अपॉन 2 इंटू 7 दैट मीन्स 14, क्लियर। सो 24 प्लस माइनस 576 और 448 को जब आप यहाँ पे प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 1024, ओके, 14। सो बच्चों 1024 जो होता है इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 32 होता है अपॉन 14, तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाती है जिसको अभी हमें और भी सॉल्व करना है, ओके, सो फर्स्ट टाइम तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 24 प्लस 32 करेंगे अपॉन 14, एंड नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे क्या करेंगे पी
24 माइनस 32 अपॉन 14 करेंगे, क्लियर। 24 प्लस 32 दैट मीन्स 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 5 प्लस एंड 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, ओके। 14 फोर जा 56, सो आपको यहाँ पे p की वैल्यू मिल जाती है 4, ये आपको एक वैल्यू मिल गई है। एंड नेक्स्ट टाइम जब आप इसको सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट 8 माइनस 8 अपॉन 14, ओके, माइनस 8 अपॉन प्लस 14। तो जब आप इसको देखते हैं तो ये आपका 2 से कैंसिल होता है, माइनस 2 फोर जा 8, 2 सेवन जा 14। सो स्टूडेंट्स आपको p की वैल्यू मिलती है माइनस 4 अपॉन 7। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू एक तो मिल गई है 4, एंड नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई है माइनस 4 अपॉन 7, टू वैल्यूज़ आपके पास है। अब कॉन्सेप्ट में ये है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यस, यू हैव टू फाइंड आउट दीज रूट्स ऑल्सो। तो आपको b और 2a ये जो वैल्यूज़ है ना इनको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे a के लिए भी पहले सॉल्व करेंगे कि जो p की वैल्यू आपको 4 मिली है, एंड नेक्स्ट टाइम जो p की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 7 मिली है उसके लिए भी आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 4 हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a हमारे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू 2p प्लस 1, ओके। तो 2 इंटू पी दैट मीन्स 4, ओके, p दैट मीन्स 4 प्लस 1, तो 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 1 दैट मीन्स 9। तो स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 9। एंड नेक्स्ट टाइम b दिस इज इक्वल टू माइनस 7p प्लस 2, आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, माइनस 7 इंटू पी, पी इज 4 प्लस 2, 7 इंटू 4 होगा 28, 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, सो माइनस 30। आपके पास यहाँ पे b और a बस इन दोनों की वैल्यू ही इनफ है, क्यों, बिकॉज द रूट दैट इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a। सो हमारे पास यहाँ पे रूट्स हो जाएंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, b दिस इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 2a, a दैट इज 9। एंड इसके लिए भी यहाँ पे सेम वैल्यू होगी, 2 इंटू 9 हमारे पास हो जाएगा 18। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 से ये 3 से कैंसिल होता है, यहाँ पे 10 टाइम और ये 3 जा 9, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, सो माइनस 5 अपॉन 3, और यहाँ पे भी आप लोगे तो माइनस 5 अपॉन 3, ये आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपको कब मिला है, जब आपने यहाँ पर p की वैल्यू 4 लिया है। एंड नेक्स्ट टाइम हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4p इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 7 के लिए, तो a ये आपका इक्वल होगा 2p प्लस 1, दैट मीन्स आप यहाँ पे वैल्यूज अप्लाई कीजिए, 2 इंटू माइनस 4 अपॉन 7 प्लस 1 दैट इज माइनस 8 अपॉन 7 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम मिलेगा आपको 7, सो माइनस 8 प्लस 7, माइनस 8 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू माइनस 1 एंड अपॉन में 7। तो बच्चा ये तो हमारे पास a की वैल्यू है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम आप b को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, माइनस यहाँ पे फिर 7p प्लस 2, ठीक है, आप वैल्यूज अप्लाई कीजिए, माइनस 7 इंटू ये आपके पास है माइनस 4 अपॉन 7 के एंड प्लस 2, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, माइनस आपके पास है बाहर, देन यू विल गेट हियर माइनस 4 प्लस 2, ओके। एंड माइनस 4 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू माइनस 2, तो बच्चों यहाँ पे आपको जो b है ये आपको मिलेगा प्लस 2 के इक्वल, ठीक है, b की वैल्यू आपको मिल चुकी है। एंड नेक्स्ट टाइम अब आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, x दिस इज इक्वल टू माइनस b अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a, ये हमारे पास x की वैल्यू है, सो यू हैव माइनस b दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू a दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7। तो बच्चे जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 7, सो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल दैट मीन्स 7, सो x इज इक्वल टू 7 एंड 7, नेक्स्ट वैल्यू भी आपको यहाँ पे सेम मिलेगी 7, सो आपको यहाँ पर 7 एंड 7 जो है वो आंसर मिल जाता है और आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको एक बार तो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे, अच्छा एक सेकंड, एक बच्चा यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 30 है, ठीक है, तो ये जो माइनस के साइन की वजह से ये जो साइन है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक बार आप देख लेना यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये छोटा सा करेक्शन कर लेना, b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 30 है। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे प्लस 5 अपॉन 3 मिलेगी जब आप p की वैल्यू 4 अप्लाई करते हैं तब, और जब आप p की वैल्यू माइनस 4 अपॉन 7 अप्लाई करते हैं तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9।
सॉल्व फॉर एक्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर एक्स, एक्स के लिए. तो बच्चे हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ए, आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या है, ठीक है. ए दिस इज इक्वल टू रूट थ्री एंड बी दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू रूट 23 एंड सी दिस इज इक्वल टू माइनस टू इंटू रूट 3. ये आपके पास वैल्यूज हैं. हम ना यहाँ पे धाराचार्य जो मेथड है उसको यूज करेंगे, ओके. सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है. वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए. माइनस बी, बी बी की वैल्यू है माइनस टू इंटू रूट 23, क्लियर. प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में आप इस वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे एंड माइनस 4ac. 4a a इज इक्वल टू रूट 3 एंड c c इज द वैल्यू माइनस 2 इंटू रूट 3. सो स्टूडेंट्स दिस इज द कॉन्सेप्ट. अपॉन 2a, 2 इंटू a, a इज रूट 3. सो स्टूडेंट्स जब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे माइनस, माइनस मिलता है प्लस, ओके. सो इट इज 2 इंटू रूट 23 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ पर लेंगे माइनस टू का स्क्वायर हो गया 4, ओके. और रूट 23 का जो स्क्वायर रूट स्क्वायर लेंगे तो वो आपको मिलेगा 23. माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8. और अब आप यहाँ पे रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ओके. एंड जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 2√3, ठीक है, 2√3. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. तो यहाँ पे 2√23 प्लस माइनस 23 इंटू 4 होगा 92 प्लस, और अब आप यहाँ पे 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 24 अपॉन 2√3. सॉल्व करते हैं इसको हम यहाँ पे. सो 2 इंटू रूट 23 प्लस माइनस 92 को जब हम यहाँ पे 24 से प्लस करते हैं तो हमको मिलता है 116, ठीक है, 116. और ये मिलता है यहाँ पे 2√3. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 116 है, ठीक है, 116 है, हमें इसके स्क्वायर रूट लेने हैं. तो इसके लिए हम इसको फैक्टराइज करना चाहेंगे, ठीक है. तो जब बच्चे हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आती है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 23 प्लस माइनस 116 है. 116 बेसिकली हमारे पास 29 इंटू 4 होता है, ठीक है. तो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2√3. सो स्टूडेंट्स 2 इंटू रूट 23 प्लस माइनस 2 आपके पास बाहर आ जाएगा एंड रूट 29 अपॉन 2√3. 2 कॉमन है, बाहर ले लीजिए, आपको मिलेगा रूट 23 प्लस माइनस रूट 29, ओके, अपॉन 2√3. तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है. और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा रूट 23 प्लस रूट प्लस माइनस रूट 29 अपॉन रूट 3. तो स्टूडेंट्स ये ना हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है, ठीक है. तो मतलब कि ये जो वैल्यू है, क्वेश्चन है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है. नाउ स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ. मैंने ये क्वेश्चन वैसे आपको सॉल्व करा तो दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वो मैंने आपको बता दिया है. बट इन एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है हमारे पास रूट 3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ओके. ये इस तरीके से हमारे पास होता है. एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से होता है. देखो क्वेश्चन तो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, तो मैंने आपको सॉल्व करा दिया है. लेकिन जैसे अब आपका ये जो वर्कशीट आती है, हिंदी मीडियम में जो वर्कशीट आई है वो इस तरीके से आई है, और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जिस्ट है बुक के अंदर, ठीक है. तो मैं आपको आपको इस मेथड से भी सॉल्व करा देती हूँ. इन विच यू हैव वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 3 एंड बी दिस इज इक्वल टू माइनस 2√2 एंड सी दिस इज इक्वल टू माइनस 2√3. तो जब बच्चे हम यहाँ पर धाराचार्य मेथड यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस बी, तो माइनस बी की जो वैल्यू होती है हमारे पास होती है माइनस 2 इंटू रूट 2 प्लस माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है बी स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर, बी दिस इज इक्वल टू माइनस 2√2
होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर है हमारे पास और ए की वैल्यू है रूट थ्री एंड सी, सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है यहाँ पे इस समय माइनस टू रूट थ्री, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और अपॉन में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टू ए, ए इज दैट मीन्स रूट थ्री। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू टू रूट टू, प्लस माइनस माइनस टू रूट टू होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे मिलता है टू स्क्वायर दैट इज़ फोर एंड रूट टू दैट इज इक्वल टू टू, मतलब इसका स्क्वायर लोगे तो टू हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फोर इंटू टू हो जाएगा एट एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये हमारे पास हो जाएगा थ्री अपॉन में टू रूट थ्री, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टू रूट टू प्लस माइनस, फोर इंटू टू होगा एट एंड 8 इंटू थ्री होगा 24, सो 8 प्लस 24 ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और जो बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पे आप 32 का स्क्वायर रूट लेंगे एंड दिस इज टू रूट थ्री। 32 का जो स्क्वायर रूट होता है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू टू के अकॉर्डिंग होगा, तो 16 तो आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा टू रूट टू प्लस माइनस, 16 का तो बाहर आ चुका है 4 और यहाँ पे बचा रूट टू, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा टू रूट थ्री, यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आपके पास एक बार आप इसे प्लस लेके सॉल्व कर सकते हैं, ओके, एंड नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे इसको नेगेटिव साइन के साथ सॉल्व करेंगे। सो वी विल राइट हियर टू रूट टू माइनस फोर रूट टू अपॉन टू रूट थ्री, टू रूट टू प्लस फोर रूट टू दैट मीन्स सिक्स रूट टू अपॉन टू रूट थ्री। तो स्टूडेंट्स टू से ये सिक्स आपका यहाँ पे थ्री टाइम कैंसिल हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी थ्री रूट टू अपॉन रूट थ्री के, ठीक है। तो आपको एक तो यहाँ पे ये आंसर मिलेगा एंड नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये आपको माइनस टू रूट टू अपॉन टू रूट थ्री मिलेगा। टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज इक्वल टू माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपका ये जो क्वेश्चन है अब यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व फॉर एक्स, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पे भी हम धराचार्य जो मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं। धराचार्य मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप इसको जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें तो आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू फोर, कैपिटल बी दिस इज इक्वल टू माइनस फोर ए एंड सी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। नाउ यू हैव टू यूज धराचार्य मेथड अकॉर्डिंग टू विच माइनस बी प्लस माइनस, ओके। यहाँ पे हम कैपिटल वर्जन ले रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो अब आप इन सब के वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए, बी दिस इज इक्वल टू माइनस फोर ए प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ माइनस फोर ए माइनस फोर कैपिटल ए दिस इज इक्वल टू कैप फोर एंड सी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए, टू इंटू कैपिटल ए दैट इज इक्वल टू फोर। अब आपको इसकी वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस फोर ए प्लस माइनस फोर ए स्क्वायर दैट मीन्स सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर एट। सो स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा फोर ए प्लस माइनस रूट सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस, अब आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एंड 16 बी स्क्वायर अपॉन मिलेगा 8। तो 16 ए स्क्वायर से 16 ए स्क्वायर आपके पास कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 4 ए प्लस माइनस रूट 16 बी स्क्वायर अपॉन 8 दैट मीन्स 4 ए प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 एंड बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बी अपॉन 8 होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप एक बार तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे और आपको मिलेगा a प्लस माइनस बी अपॉन 8। 4 से ये 8 टू टाइम कैंसिल होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस बी अपॉन 2। सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x दैट मीन्स टू रूट्स, दीज आर a प्लस बी अपॉन 2 एंड नेक्स्ट वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2। सो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम रूट्स आर पॉसिबल. सो स्टूडेंट्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके दो से ज़्यादा रूट कभी नहीं होंगे. सो मैक्सिमम टू रूट्स आर पॉसिबल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल. ओके, सो आपको ये जो इक्वेशन है इसको पहले देख लेना है कि ये क्या है. ठीक है, यहाँ पे प्लस 10 इक्वल टू 0 है. के एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 के इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ रूट्स आपके पास रियल होने चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 के एंड सी दिस इज इक्वल टू 10. नाउ फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट इज कैपिटल डी इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज ग्रेटर देन 0. सो बी दिस इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5 के होल स्क्वायर माइनस 4 ए इज इक्वल टू के एंड सी दिस इज इक्वल टू 10 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0. तो जब बच्चे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 एंड के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 40 के ग्रेटर देन 0. 4 इंटू 5 दैट मीन्स 20 के स्क्वायर माइनस 40 के इज ग्रेटर देन 0. सो 20 के इज कॉमन, सो वी टेक इट आउटसाइड एंड वी विल गेट इन द ब्रैकेट के माइनस 2 एंड इट इज ग्रेटर देन 0. सो 20 के इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से डैट k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0. इफ 20 के इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स k मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, अगर आपकी k की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे. एंड इफ k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन k इज ग्रेटर देन 2. सो फॉर k इज ग्रेटर देन 2 योर रूट्स विल बी रियल. सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13. सॉल्व फॉर x. We have to calculate value of x here, root 2x plus 9. ये जो plus x है ना, हम इसी को यहीं पे shift कर देते हैं. Then it will be 13 minus x. Okay, now अब हम इसका यहाँ पे square कर देते हैं. On squaring, we get square root 2x plus 9 and its square is equal to 13 minus x and its square. सो जब आप स्क्वायर करते हो तो आपका रूट तो कैंसिल हो जाता है. दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2x प्लस 9. ओके, एंड दिस इज 13 माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो वी विल राइट हियर 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट टाइम अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो x स्क्वायर माइनस 26x आपके पास है ही, 2x वहाँ पे शिफ्ट होगा, नेगेटिव 2x हो जाएगा एंड प्लस 169, 9 वहाँ शिफ्ट होगा, माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर माइनस 26 एंड 2 विल बी 28x प्लस 160 इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है. ठीक है, मतलब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसको आपको यहाँ पे सॉल्व करना है. तो बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं. सो बाय दिस यू कैन राइट x दिस इज इक्वल टू माइनस बी, बी दिस इज हैव माइनस 28 वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 28 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, सी इज इक्वल टू 160 अपॉन 2a. सो माइनस माइनस प्लस होगा 28 प्लस माइनस 28 होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स, जो 28 का होल स्क्वायर होता है हमारे पास वो हो जाता है 784. ठीक है, 28 का स्क्वायर होता है हमारे पास 784. नेक्स्ट टाइम माइनस 4 इंटू 160, 16 4 जो होता है 64 अपॉन 2. आप इसको सॉल्व कीजिए. ओके, देन यू विल गेट हियर 28 प्लस माइनस 4 माइनस 0 विल बी 4, 8 माइनस 4 विल बी 4 एंड 7 माइनस 6 विल बी 1. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. क्लियर बच्चा? तो जब आप यहाँ पे प्लस वैल्यू लेंगे देन इट विल बी 28 प्लस 2 अपॉन 2 एंड वेन एवर यू आर टेकिंग नेगेटिव साइन देन यू विल राइट हियर 28 माइनस 12 अपॉन 2. 28 प्लस
12 upon 2, that means 40 upon 2, and this is equal to 20. Okay, and otherwise if you are writing 28 minus 12, then you will write here 16 upon 2, that is equal to 8. So this is the value of x. Okay, so ye question hamara complete hota hai. Next question hum le lete hain yahan par, question number 14. Solve for x. So students, isko solve karne ke liye aapko left hand side mein na kya hoga, LCM lena hoga. Okay, and ye aapka 1 ke equal hoga. तो 1 को जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से, एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3. क्लियर. नेक्स्ट टाइम x माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2x होगा माइनस 6. इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 6 इक्वल्स टू 1. ये आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा. ठीक है, x प्लस 2x विल बी 3x, माइनस 2 माइनस 6 विल बी माइनस 8 अपॉन x square minus 5x plus 6, and this is equal to 1. After cross multiplication, we get x square minus 5x plus 6 is equal to 3x minus 8. And जब आप इसको solve करेंगे, तो यहाँ पे ये minus 5x plus 6 है ही, 3x यहाँ पे shift होगा, minus x हो जाएगा, मतलब minus 3x, minus 8 भी यहाँ पे shift होगा, plus 8 is equal to 0. अब आप इसको solve कीजिए, okay? Then x square माइनस 5 माइनस 3 विल बी माइनस 8x प्लस 6 प्लस 8 विल बी 14 इज इक्वल टू 0. अब बच्चा जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई मेथड तो यूज़ करना ही है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे धराचार्य मेथड यूज़ कर लेते हैं. x दिस इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी होल स्क्वायर, दैट विल बी 64 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू ए, यहाँ पे 1 है ही. सो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 56 अपॉन 2. सो स्टूडेंट्स, आप 64 में से 56 को माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 8 अपॉन 2. सो 8 प्लस माइनस रूट 8 अपॉन 2. क्लियर बच्चा? तो आप एक बार इसको प्लस ले सकते हैं और नेक्स्ट टाइम में आप इसको नेगेटिव के साइन के साथ यूज़ कर सकते हैं. जब आप यहाँ पर रूट 8 लेते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 2√2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाता है. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसे. अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2 को कॉमन लेना होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू रूट 2 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस रूट 2, दैट इज़ द आंसर. एंड नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, देन यू विल राइट 4 माइनस रूट 2 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल होगा एंड दिस आंसर इज 4 माइनस रूट 2. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है. आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर लाइकिंग माई चैनल एंड वॉचिंग दिस ऑल्सो.